रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का हरवा अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाता है और ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं हरी मिर्च का हरवा अचार। बनाने के लिए मैंने लिया है हरी मिर्च 100 ग्राम। मैंने इस तरीके से छोटी साइज की मिर्च है, लेकिन ये थोड़ी मोटी मोटी साइज में है, हमने इसे लिया है। और इसको मैंने किनारे से इस तरीके से इसे काट करके और बीच से चीरा लगा लिया है। इस तरीके से मैंने सारी मिर्चें काट करके और चीरा लगा के रख लिया है। 4 चम्मच हमने काली सरसों लिया है और इसे मैंने पीस करके रख लिया है। 100 ग्राम सरसों का तेल है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 चम्मच सौंफ पाउडर जो मैंने भून कर पीस कर रखा है। 1/2 चम्मच मेथी पाउडर इसे भी मैंने भून कर और पीस करके रखा है। 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। 3 से 4 पिंच मैंने हींग लिया है। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और इसको भी मैंने भून करके और पीसा है। इसका अचार बनाना शुरू करते हैं। सरसों के अंदर मेथी डाल देंगे, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और हींग, नमक 1 छोटा चम्मच डाल देंगे और इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तरीके से मिलाएंगे और इसके अंदर हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डालिए, इसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है। और इसे मिला लीजिए। अब मसालों को हम हाथ से मिला लेंगे और मिर्च भी भर देंगे इस तरीके से। मसालों को सारी मिर्ची में भर कर रख देंगे। दूसरी मिर्ची लेंगे, इसमें भी अच्छी तरीके से जितना मसाला इसके अंदर आ जाएगा उतना हम भर देंगे। फिर इसे दबा करके इस तरीके से रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को भरेंगे और मसालों के अंदर जो हमने काली सरसों पीस के डाली है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। काली सरसों को हल्का सा रोस्ट करके डाल सकते हैं और या तो फिर ऐसे ही कच्चे ही पीस के डाल दीजिए, तब भी अच्छा लगता है। रोस्ट करने से थोड़ा इसके अंदर सोनापन आ जाता है। और हरी मिर्च को हमें अच्छी तरीके से सुखा लेना है, धो करके और इसको हमें अच्छे सुखा लेना है जिससे इसके अंदर बिल्कुल पानी ना हो, तब हमें इस अचार को बनाना है। इससे हमारे अचार खराब नहीं होते हैं और जब तक हम चाहें इन्हें रख सकते हैं। और इस तरीके से हमने सारी मिर्चें भरकर तैयार कर लिए हैं और इसे हम इसे सारी मिर्चों को डिब्बे के अंदर रख देंगे। आप कोई भी बॉटल, कोई भी इस तरीके से डिब्बा ले सकते हैं जो बिल्कुल सूखा हो, उसके अंदर पानी ना लगा हो। आप इसी तरीके से सारी मिर्चों को उसके अंदर रख लीजिए। सारे मिर्चों को डिब्बे के अंदर रख दिया है। इसके अंदर हम तेल डालेंगे इस तरीके से। तेल को डाल देंगे, हमें इतना तेल डालना है जिससे हमारी मिर्च अच्छी तरीके से तेल के अंदर डूब जाए। और ये तेल में अगर डूबा रहेगा तो भी खराब नहीं होगा। आप इसे जितना दिन तक चाहें रख सकते हैं। इस तरीके से हमें ऊपर तक इसके अंदर तेल डाल देना है, तो आप इसे 6 महीने या पूरे साल भी रख सकते हैं, कहीं खराब नहीं होता है। और धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद ये गलने लगेगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे खाने के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने व्यू में ज़रूर दीजिए। और फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।